जो अपनी कौम का नहीं हुआ सरदारों ध्यान देना, जो अपनी आदमी जो अपनी कौम का नहीं हो सकता वो किसी काम का नहीं हो सकता दुनिया में किसी का। हमारे कुलदीप भाई साहब भी पुरस्कार दे के गए थे 500-700 जो भी मुझे ध्यान नहीं है चौपाई में। और फौजी भाई, फौजी क्या है ना, अभी फौजी भाई ने भी 500 रुपए का इनाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिक्री में ध्यान था, ध्यान उधर नहीं रहा। अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम था चंदन कौर। जब घरवाली ने बात नहीं मानी तो चंदन कौर को जाकर के पकड़ लिया और कहता है, चंदन कौर बेटी तेरा निकाह मैं बादशाह के साथ करूंगा। क्योंकि सरदारों, चमकता हुआ चांद थी चंदन कौर, नई बेटी थी, 18-20 साल की लड़की थी। कहता है, तुझे अपनी बेगम बनावेगा बादशाह, जिंदगी भर मौज लीजिए बेटी, कभी कोई तकलीफ जीवन में नहीं आने की। लेकिन सरदारों, मैं उस बहन चंदन कौर के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस हिंदू कौम को बदनाम होने से बचा लिया। आप तालियां बजाइए अपनी उस बेटी के लिए। अपने बाप को कहती है कि तू मेरा बाप है, तेरे खून से मैं पैदा हुई, मैं लज्जामान हूं, आज तू मुझे मुसलमान बनाना चाहता है। लड़की पानी पानी हो गई। और क्या लिखा गुरुजी ने आगे, ए रे बाबुल की सुन बात को रे, भारी हुयो मनाल,
रचूंगा चल के कोई जाल, रचूंगा चल के कोई जाल, रचूंगा चल के कोई जाल, रचूंगा चल के कोई जाल। रहा मैं न्यो सोचत जाओ, रहा मैं न्यो सोचत जाओ, रहा मैं न्यो सोचत जाओ, रहा मैं न्यो सोचत जाओ। नहीं सुख ते रहना चाहो, नहीं सुख ते रहना चाहो, नहीं सुख ते रहना चाहो, नहीं सुख ते रहना चाहो। दऊ मैं तुमको भारी त्रास, दऊ मैं तुमको भारी त्रास, दऊ मैं तुमको भारी त्रास, दऊ मैं तुमको भारी त्रास। पहुंच गो अहमद शाह के पास, पहुंच गयो 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 अहमद शाह के पास। मोए तीजो ठीक बता, मोए तीजो ठीक बता, मोए तीजो ठीक बताए, आज तू कैसे हुयो उदास। सरदारो बाबुल की सुन बात को हुयो चंदन कौर के ख्याल, और जोश बदन में भर गयो नेत्र भय निहाल, आंखें लाल लाल हो जाती हैं उस बेटी की और कहती है क्या जा यहां ते अन्यायी, तो नेक शर्म ना आई, मैं हूं हिंदुन की जाई, ना तजू धर्म दुखदाई। अरे दो दिन को मेहमान जगत में बात नहीं पहचानी रे, और सदा अमर नहीं आयो कोई काया आनी जानी रे। सरदारों यूं कह दी बेटी ने, ओ लज मारे मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूं कि मैं तेरी संतान हूं, चले जा मेरी नजरों के सामने से, किसी भी कीमत पे धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पे मुसलमान नहीं बनूंगी। आंखें दिखाता है, डराता है, धमकाता है, कह दिया मौत तो एक दिन फिर भी आनी है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। अगर हिंदू से मुसलमान बन गई तो फिर क्या मौत नहीं आएगी, मौत तो फिर भी आएगी। सरदारों इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, रोता रोता अहमद शाह के पास जाकर के कहता है, महाराज मेरी पत्नी ने और मेरी बेटी है 20 साल की जो तेरे लायक है, और मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मुसलमान नहीं बनना चाहती और मुझे घर से और भगा दिया है। साथियों अब तो इतनी तो बात पता चली, जाल रच देता है अहमद शाह, और क्या आगे घटना घटती है सुनिए जरा कैसे। माँ बेटी दोनों जब मिली तो माँ कहती है, बेटी इस घर से शायद अब निकलना पड़ेगा, क्या कहती है सुनिएगा कैसे। अरे माता न्यो कहने लगी, माता न्यो कहने लगी, सुन बेटी चित लगाए री, ओ मुसलमान यहाँ आएंगे तो जबरन ते ले जाए री, बैरी बन्यो तेरो पिता, ख्वारी हमारी होएगी, अपनो नहीं दिखे कोई, किसके आगे तू रोएगी। अन्यों कहती है सरदारों ध्यान दे के सुनना, क्या इस घर को रहनो छोड़ कहूं तो ते बेटी, इस घर को रहनो छोड़ कहूं तो ते बेटी, ये चल बर्तन भांडे फोड़ कलम की, ये चल बर्तन भांडे फोड़ कलम की, ये मुसल, ये मुसल, ये मुसलमान कतार बढ़े होए पाजी, ये मुसलमान कतार बढ़े होए पाजी, ओ तेरा दिंगे धर्म बिगार मौलवी काजी, ओ तेरा दिंगे धर्म बिगार मौलवी काजी। क्यों मात, क्यों मात रही घबराए कहीं नहीं जानो, क्यों मात रही घबरा कहीं नहीं जानो, इस घर में लियो जन्म यहीं मर जानो, इस घर में लियो जन्म यहीं मर जानो, अरे घर में लियो जन्म यहीं।
पाती घर आ गए काहे तार मुसलमानियों तो पाती और संग में आयो पाप दगाबाज कुल धाती संग में आयो पाप दगाबाज कुल धाती अरे माँ बेटी हे माँ बेटी ओ माँ बेटी रुधन मचाती रे चंदन कौर को पकड़ के रे और ले गए काजी पास चंदन कौर को पकड़ के रे ले गए काजी पास जकी माता रह गई माता रह गई रोमती और ना कोई पार बसा रोधन भारी करो मेरे प्यारे रोधन भारी करो मेरे प्यारे रोधन भारी करो आखिर वो अबला नारी वो काजी ने मिसल निकारी रे अरे कर इस्लाम कबूल तू लड़की ऐसे वचन सुनाए अरे ऐसे वचन सुनाए